फिरोजाबाद में पुलिस और हिस्ट्री सीटर बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। पकड़े गए बदमाश पर लूट डकैती जैसे करीब 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। थाना लाइनपार क्षेत्र का रहने वाला बदमाश थाना लाइनपार में ही खुली है बदमाश की हिस्ट्री शीट। दरअसल काफी दिनों से कर रही थी फिरोजाबाद की पुलिस बदमाश की तलाश। मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार पकड़े गए बदमाश ने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पकड़े गए बदमाश से पहले पर जो है बदमाश के ऊपर 20,000 का इनाम घोषित है। थाना दक्षिण पुलिस के ललाऊ रोड पर बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं फिरोजाबाद से, जहां पर पुलिस और हिस्ट्री शीटर बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई है। थाना दक्षिण क्षेत्र की पुलिस SOG के साथ मुखबिर खास की एक सूचना पर एक गांव है लालू, उसके पास लगी हुई थी, जहां पर एक बदमाश की सूचना थी। जो बदमाश डकैती के अभियोग में काफ़ी दिनों से वांछित है थाना दक्षिण से ही, और 20,000 का इनामिया भी है तथा लाइन पार से HS भी है। इस बदमाश का नाम वीरेंद्र सन ऑफ सुगर सिंह है, जो कि लाइन पार थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इस बदमाश को बाइक से आता हुआ देखते ही जैसे ही पुलिस पार्टी ने इसको आवाज़ देकर रोकने का प्रयास किया, बदमाश ने तत्काल इस पर फायर कर दिया पुलिस पार्टी पे। जवाब में पुलिस पार्टी ने भी फायर किया, जिससे बदमाश के निचले हिस्से पर गोली लगी है। इसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है, जो अस्पताल में लाया गया, जहां इसको खतरे से बाहर बताया गया है। इस बदमाश का लगभग 25 मुकदमे का आपराधिक इतिहास भी है, और इस बदमाश के पास से एक तमंचा मिला है, एक कारतूस मिला है तथा एक बाइक मिली है जो काली स्प्लेंडर है, जिसके बारे में जानकारी की जा रही है।